फ्रेंड्स, कहते हैं कोई भी आपदा आती है, बड़ा संकट आता है, तो वो हमें कुछ न कुछ सबक देकर जाता है, सिखाकर जाता है। 2-3 साल पहले हम दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, 100 साल में आए सबसे बड़े संकट से गुजरे हैं। इस संकट ने दुनिया के हर देश को, हर समाज को, हर बिजनेस हाउस को, हर कॉरपोरेट एंटिटी को एक सबक दिया है। सबक ये कि हमें अब जिस चीज पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना है वो है आपसी विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट। कोरोना ने दुनिया में इस आपसी विश्वास को तहस नहस कर दिया है और अविश्वास के इस माहौल में जो देश पूरी संवेदनशीलता के साथ, विनम्रता के साथ विश्वास का झंडा लेकर आपके सामने खड़ा है वो है भारत। सौ साल के सबसे बड़े संकट में भारत ने जो चीज दुनिया को दी वो है विश्वास, ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। जब कोरोना के समय दुनिया को जरूरत थी तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाते भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां उपलब्ध कराई। जब दुनिया को कोरोना की वैक्सीन की जरूरत थी तो भारत ने वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाकर करोड़ों करोड़ों लोगों की जान बचाई। भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज भारत के एक्शन में दिखती है, भारत के रिस्पॉन्स में दिखती है। भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज देश के 50 से ज्यादा शहरों में हुई G20 की बैठकों में दिखाई देती है और इसलिए भारत के साथ आपकी पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत में दुनिया का सबसे युवा टैलेंट है। आज भारत इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल रिवॉल्यूशन का चेहरा बना हुआ है। भारत के साथ जितनी आपकी दोस्ती मजबूत होगी उतनी ही समृद्धि दोनों को मिलेगी।